पटना पायरेट्स के सामने है डिफेंडिंग चैंपियंस अपुनेरी पल्टन। आइए बातचीत करते हैं पटना पायरेट्स के असिस्टेंट कोच प्रशांत कुमार राय और अपुनेरी पल्टन के कप्तान असलम इनामदार से। प्रशांत, आपसे पहला सवाल, आपकी इस बार की जो टीम है वो एक यंग फ्रेश टीम है, कितने एक्साइटेड या नर्वस हैं और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके प्लेयर्स के लिए? नर्वस तो नहीं है, हम तो ऑलमोस्ट वन एंड हाफ मंथ्स का कैंप लगा के फ्रेश मैच खेलने के लिए तैयार है। बॉयज आर रेडी, अपने पल्टन के साथ हम लोग खेलेंगे, एक बढ़िया मैच हो जाएगा। वेल, मैसेज इज क्लियर, बॉयज आर रेडी एंड आई थिंक प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। असलम, जहाँ पे सीजन 10 पुनेरी पल्टन ने खत्म किया था वहीं से शुरुआत हुई है और हमें पुनेरी पल्टन का वही रूप दिखा, मतलब हाई फाइव सुपर टेंस के लिए नहीं जा रहे हैं, टीम कलेक्टिवली पॉइंट्स कलेक्ट कर रही है, तो क्या इस सीजन भी यही स्ट्रैटेजी है? देखो, स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहेगी हमारी। लास्ट सीजन जो हमने हर एक खिलाड़ी ने अपना खुद पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था खेलने के लिए, वो इस सीज़न भी हर एक खिलाड़ी ले रहा है। बस एक जगह की जो शादलू की जगह हमें काफ़ी सारे मीडिया में बताया गया था कि आपको उधर कौन सा प्लेयर मिलेगा, तो मुझे लगता है कि प्लेयर का जब हम कॉम्पिटेंस बना के उसको उस जगह पे परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो खेल सकता है। तो मुझे लगता है वो कल वो प्लेयर ने करके दिखाया अमन ने, और पूरी टीम तो सेम ही है हमारी, तकरीबन हम पूरा साल तो प्रैक्टिस करते ही साथ, तो वही कॉम्बिनेशन के साथ हम सीजन 11 की शुरुआत कर चुके हैं। एंड टीम वर्क मेक्स ड्रीम्स वर्क, और आप लोगों ने पिछले सीजन भी ये प्रूव किया है। प्रशांत, पटना पायरेट्स का आज पहला मुकाबला हो रहा है वो भी डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेरी पल्टन के साथ, सो कोई प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है, बट बॉयज आर रेडी। हम लोग पुनेरी के साथ, मतलब लास्ट मैच में पुनेरी खेला है उसका स्ट्रेटेजी हम लोग थोड़ा रीड किया है, हमारा फ्रेश मैच है, अच्छा खेलेंगे, बढ़िया मैच देखने के लिए मिलेगा। Our coach is very, very confident. Aslam, सामने है पटना पायरेट्स, नए permutation and combinations हैं जिनके strengths और weaknesses शायद आप अभी नहीं जानते हैं, ऐसी टीम क्या challenges पेश कर सकती है? देखो, कबड्डी अपना सेकेंड का खेल है, कोई मूव चेंज हो गया मैच में सडनली तो कोई भी डिसीजन फ्लॉप हो सकता है किसी टीम का, तो मुझे लगता है कि अभी उनके पास सब नए खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी खेलने वाले भी है, यंगस्टर उनके पास भी, तो मुझे लगता है कि अच्छा मैच होगा। चैलेंज तो हर मैच में हर एक टीम के लिए होता ही है, तो हमारे लिए हर मैच चैलेंजिंग ही है, बस लड़ना हमारे हाथ है, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ रहेगा, तो लड़ना हम करेंगे, रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा मैच के बाद ही आपको। जी, आप दोनों ही लड़ेंगे और तोड़कर जीतेंगे, और आप दोनों को आज के मुकाबले के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ये तो बात हुई आज के दूसरे मुकाबले की, लेकिन आज की शाम का पहला जंग यहाँ होने वाली है पड़ोसियों की टक्कर। यूपी योद्धाज के सामने होंगे दबंग दिल्ली केसी, जो अपना पिछला मुकाबला और पहला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं।